नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं व्हाट इंडिया न्यूज यूट्यूब चैनल। रियो ओलंपिक में देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाली साक्षी मलिक ने अपना हम सफर चुन लिया है। बताया जा रहा है कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में कुश्ती में सिल्वर मेडल विजेता सत्यव्रत से उन्होंने रविवार को सगाई कर ली। सगाई में सत्यव्रत ने साक्षी को डायमंड की अंगूठी पहनाई है। बताया जा रहा है कि ये दोनों दिसंबर में शादी कर सकते हैं। आपको बता दें कि सत्यव्रत के पिता अर्जुन अवार्डी पहलवान सत्यवान रोहतक में बड़े अखाड़े के संचालक हैं। 23 साल के सत्यव्रत की दोस्ती 24 साल की साक्षी से ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के दौरान ही हुई थी। जहां सत्यव्रत सिल्वर मेडल जीते, वहीं साक्षी को खाली हाथ देश वापस आना पड़ा था। इन दोनों ने रियो ओलंपिक में भी साथ ही शिरकत की थी, जिसमें साक्षी मलिक को ब्रॉन्ज मिला, जबकि सत्यव्रत एक सेकंड से पीछे रह गए। ने भविष्य के बारे में बात करते हुए सत्यव्रत ने कहा कि उनका पहला लक्ष्य देश के लिए मेडल जीतना है। ये दोनों 15 दिसंबर से शुरू हो रही प्रो कुश्ती लीग में खेलेंगे, जिसके बाद राष्ट्रमंडल खेल 2018 और 2020 टोक्यो ओलंपिक में भी ये दोनों साथ शिरकत कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।